तीन अलग प्रकार की ओसीडी के बारे में मैं आज बोलने वाला हूँ, जो दिखती कम है मगर है ओसीडी। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक है बाल उखाड़ने की ओसीडी, उनको बार 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 विचार आता है कि बाल उखाड़ना चाहिए, और बाल उखाड़ते बार उसको ट्रिकोटिलोमैनिया करके अलग से भी नामकरण उसका किया गया है, ट्रिकोटिलोमैनिया। और कुछ लोग वो बाल उखाड़ के खाते भी है, उसको बोलते हैं ट्रायको बेजार। तो फिर बाल उखाड़ना, तो सिर के बाल उखाड़ना, आई लैशेस के उखाड़ना, नाक के उखाड़ना, मूंछ के, बियर्ड के, जांग के, काक के, कहीं के भी बाल उखाड़ना, या चमड़ी के कहीं के बाल उखाड़ना। और बाल उखाड़ने की उनको ओसीडी बार बार विचार आता है, और फिर वो कंपल्सरीली वो उखाड़ते भी है। इतना कि मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे एक पर्टिकुलर जगह की उखाड़ देते हैं तो वहीं चाटी हो जाती है, कोई पूरे उखाड़ देते हैं, कोई आधे उखाड़ते हैं, और अच्छा दिखता भी नहीं है फिर। और फिर वो कहीं बाहर जाते जाते नहीं है क्योंकि दिखता अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। फिर दूसरा है चमड़ी को पिंच करने के, ऐसे चिमटा निकालना, पिंच करना, ऐसा खींचना उसको, ऐसी ओसीडी है। बहुत कॉमनली दिखाई नहीं देती मगर ओसीडी है, और उसको एक्सकोरिएशन भी करते कहते हैं स्किन की, और वो भी एक ओसीडी है। मतलब बार बार विचार आना, और बार बार ऐसे करने की इच्छा होना और करना। तीसरा है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, एक ओसीडी ऐसी है कि ये उनको ऐसा लगता है कि अपना चेहरा बराबर नहीं, अपनी बॉडी बराबर नहीं, बार बार वो विचार आते हैं कि अपने चेहरे में विद्रूपता है, ठीक नहीं है चेहरा, या बॉडी ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, आँखें ठीक नहीं है। फिर वो ज़्यादा मेकअप करेंगे, ज़्यादा ग्रूमिंग करेंगे, अपीयरेंस कैसा है बार बार पूछेंगे लोगों को, अपीयरेंस के लिए बहुत सतर्क रहेंगे, कहीं बाहर आएंगे जाएंगे नहीं, कोई किसने कमेंट कर दिया तो प्रॉब्लम। तो शरीर विद्रूपता के विचार आने की ओसीडी। तो ये तीन जो है वो ज़्यादा दिखती नहीं मगर ये बार बार विचार आते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि डॉक्टर के तरफ जाना और इलाज करना ये बहुत आखिरी में होता है, साइकेट्रिस्ट के पास में तो जाते नहीं है। हमारे तरफ एक लड़की आ गई, अभी शादी की उम्र है 23-24 साल की, पिछले 8 साल से उसको ये बाल उखाड़ने की ओसीडी है, मगर सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास में जाने का नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या पागल हो गई क्या, इसलिए माँ बाप भी लाते नहीं और वो भी लाते नहीं। और उनको ऐसे ही इलाज चालू है जो जनरल प्रैक्टिशनर इलाज कर रहे हैं या और कोई डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जो बराबर नहीं है, एडिक्वेट डोज नहीं है। आज ओसीडी के लिए आप SSRI, वैसे क्लोमिप्रेमिन, ऐसे अनेक अलग फ्लियोवॉक्सामिन ऐसी दवाई देते हैं तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये सिम्टम्स अच्छे हो सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपको जिसके बारे में कुछ संपर्क करना है, ठीक करना है, तो नीचे लिंक दिए, उसके ऊपर नाममात्र शुल्क हम लेते 158 रुपये। हाँ, संपर्क करके पैसे भर के हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, मेरे से सलाह करेंगे और आपको काउंसलिंग करेंगे, कंसल्टेशन देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।